दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार की उच्चस्तरीय बैठक खत्म हो गई है। सरकार तमाम सख्त उपायों पर अमल कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। दिल्ली के पास नोएडा गुरुग्राम में भी सांस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के सीएम ने केजरीवाल से पूछा है कि संकट से निजात कब मिलेगा। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है, पाबंदियों वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। प्रदूषण को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। इसमें अलग अलग विभागों के उच्च स्तरीय हेड्स मौजूद थे। सीएम केजरीवाल ने इस बैठक की अगुवाई की और अगले कुछ दिनों में यह उम्मीद की जा सकती है कि और ज्यादा सख्त नियम कायदे लागू होने जा रहे हैं। तो सांसों का मुजरिम कौन है? पराली, वाहन, उद्योग से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण, घरेलू स्रोत भी जिम्मेदार हैं, निर्माण कार्य और खुले में कचरे को जलाना। तो आज के AQI लेवल आपको दिखा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में ये AQI लेवल स्टैंडर्ड नॉर्म से 200 गुना ज्यादा है। AQI अशोक विहार में 397 जो कि खतरनाक स्तर पर है। ITU में 401 है, बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही जहांगीरपुरी में 475 है जो कि बेहद खतरनाक स्तर है। वहीं लोधी रोड में 387 खतरनाक स्तर है और साथ ही नरेला में 460 बेहद खतरनाक।